अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जागताई, जिसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, हर कोई इसके बारे में यही पूछ रहा है कि आखिर इसको दोनों ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया। जो ट्रेलर में किला फतह किया जा रहा था वो किला कौन सा है, किस वजह से फतह किया जा रहा है, क्या ये फतह कर पाएंगे, इन सब पर आज हम तफसील से बात करेंगे। साथ ही संजय सिजलर के बारे में बात करेंगे, जिनको रोहन बे ने दावत दी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की, क्या ये दावत कबूल करेंगे, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं संजय के सीजनल की, जिनको रहान बे ने दावत दी लेकिन आगे से वो हंस रहे थे, उसके बाद हमने उनको लड़ते हुए भी देखा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये दावत कबूल करेंगे। तो नाज़रीन बिल्कुल, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सीन आगे पीछे किए गए हैं, पहली बार रहान इनसे मिलेगा और उस्मान बे की तरफ से दावत देगा। पहले तो ये दावत कबूल नहीं करेंगे लेकिन रहान सोने का लालच देगा और ये दावत कबूल कर लेंगे। हो सकता है इनके बीच फाइट भी हो, क्योंकि जो फाइट वाले सीन थे ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी पहले दावत दी हो उसके बाद फाइट ना हुई हो, बल्कि मिशन किया जाए जो कि हम पहले ट्रेलर में देख चुके हैं, वो मिशन किया जाए उसके बाद ही ये लड़ाई हुई हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। खैर ये दावत कबूल कर लेंगे और रहान का साथ देंगे, जैसा कि हम पहले ट्रेलर में देख चुके हैं। अगर बात करें जागते की, जागते को दोनों ट्रेलर में दिखाया नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जागते को दिखाया ही नहीं जाएगा। आप लोगों को याद होगा हम पहले आपको बता चुके हैं कि जागते या तो अपने बेटों को लेने गया होगा या फिर किसी मिशन पर होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो किला फतह किया जा रहा था जागते यहाँ की जासूसी कर रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जागते यहाँ पर पकड़ा गया हो जिसको बचाने के लिए उस्मान भाई यहाँ पर आए हों, ऐसा कुछ भी हो सकता है। खैर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो जागते यहाँ की जासूसी कर रहा होगा जिसके बाद किला फतह किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जागते पकड़ा गया हो उसको बचाने के लिए किले पर हमला किया हो। वैसे इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या जागते जासूसी कर रहा होगा या फिर यहाँ पर कैदी होगा, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।